क्या हुआ डैड, सब इतनी टेंशन में क्यों हैं? भैया आज से पहले इतना डर कभी नहीं लगा, जो देखा ना वहाँ पे, oh my God! क्या देखा? पता है, एक बहुत बड़ा सांप और अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया और फिर बहुत सारे सांप। भैया माँ भी पता नहीं किस भूतों की बस्ती में लगे थे हमें। चुप, जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसका मजाक मत उड़ाया करो। जाओ सब, जाओ अपने कमरे में। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी जान पर खेलकर हम यज्ञ में गए, हमें क्या मिला? आई मीन हमारा फायदा क्या हुआ? इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं वहां क्या हुआ, ये भी नहीं पता कि इन्हें माँ काली का आशीर्वाद नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें लगा था कि वो काली माता आएंगी और उस नागिन को खत्म कर देंगी, लेकिन वहां पे एक्चुअली हुआ क्या है हमें से किसी को नहीं मालूम। ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ है उस सूरी के जाने के बाद से। नहीं अंकित जी, ये सब उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन ऋतिक 25 का हुआ। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब तब शुरू हुआ जब हम उस हवेली में वापस गए और वहां पे गड़े हुए उस राज को हमने कुरेद दिया। बस आगे जी, बस बार बार उसी बात को मत दोहराइए। अब जो हो गया सो हो गया, ये सोचिए हमें आगे क्या करना है। एंकी, मेरी एक बात सुनेंगे, ये सारे फसाद की जड़ वो हवेली है। तू उस हवेली को बेच क्यों नहीं देता? अरे हवेली बेच तू, कैसे बेचू पता? जानता ना देवड़ी वहां पे, और 20 साल पहले हमने जो कांड किया हुआ है उस कांड का राज उसी देवड़ी के अंदर बंद है। कैसे बेच दू बता, कैसे बेचू? देवड़ी का राज? कैसा राज? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गए? वो मेरा एक इयररिंग गाड़ी में छूट गया, अभी लेकर। तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ले आऊंगी। ओके, जल्दी आना। गड़बड़ हो गई यार सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जूते में दाल बटने की नौबत आ गई है। उस हवेली में वापस हमें जाने नहीं चाहिए था, लेकिन ये यामिनी जी की जिद की ऋतिक की सगाई करेंगे, वहीं से करेंगे, सारे रीति रिवाज वहीं पूरे करेंगे। सारे रीति रिवाज पूरे हो गए, जानता है ना देवड़ी, अगर देवड़ी का दरवाजा खुला और वो 20 साल पुराना राज अगर सबके सामने आया तो सबकी बैंड बजेगी, सबकी। ऊपर से वो माली काका का राज। अगर वो सामने आया तो खत्म, सब खत्म दोस्त, सब खत्म। ऐसा क्या राज दफन है इनका इस देवरी में? राज पता चल जाएगा तो शायद मेरा बदला और आसान हो जाएगा। पता लगाना होगा कि देवरी का वो राज क्या है। क्या कर रहे हो तुम? बताओ तुम क्या करती रहती हो? हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती हो, दिल की बात जुबा पे लाती ही नहीं। ऐसा क्या है इस नाजुक से दिमाग में, यही बता दो। मुझे जाना है। जाने की बात मत किया कर, थोड़ी सी दूर चली जाती हो तो पता नहीं अजीब सा लगने लग जाता है मुझे, जैसे आज कुछ पल के लिए नजरों से दूर हुई तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो ही दिया, तो पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। तो पल के लिए तुम पर इतना प्यार आया कि किसी से इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं। हाँ शायद, पर क्या करूं, दिल पे जोर ही नहीं चलता, तुमसे प्यार करना अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? तो सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, बात बात में डर जाती हो भाई। कौन
मिनट। तुम इस तरफ, बाई तरफ और यहाँ दाई तरफ में, ऐसे ही रोज रात को तुम यहाँ सो सकते हो। ओके। ओहो, मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही है। देखो, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दो दिलों के बीच की ये प्यार की दीवार मैं पार करूंगा। मतलब नहीं करूंगा, लेकिन नींद में मेरा हाथ पैर मुंह कब कहाँ चले जाए इसकी गारंटी मेरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है तुम सोते वक्त बिल्कुल नहीं हिलते। हाय हाय, कितना जानती हो मेरे बारे में, नींद में भी मुझे ही देखती हो क्या? काली की जयकारे लगा रही थी, जैसे माँ काली से बुनी की हो। माँ काली के सामने आते ही वो अपनी जगह से हिल गई, खुशकी एक नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गुरुदेव, ये गुरुमा बार बार हमारे इंतकाम के रास्ते में आ रही है। सबसे पहले इसी का खेल खत्म करना होगा हमें, इसी को रास्ते से हटाना होगा हमें। इतने उतावली मत बनो शेषा, वो गुरुमा है, बहुत शक्तिशाली। तो हमारी शक्ति क्या कम है गुरुदेव? मैं उस गुरुमा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप भी तो गुरुदेव है ना, आप में भी तो शक्ति है, वो शक्ति कब काम आएगी? आप कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। उसके बाद कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, गुरुमा भी नहीं। यह भभूत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहती हो। जाओ और रास्ते से हटा दो उस गुरुमा को। पर एक बात याद रखना। क्या गुरुदेव? इस भभूत की शक्ति केवल आधे घंटे तक रहेगी। तुम्हें जो भी कुछ करना है वो आधे घंटे में ही करना होगा। अगर वह निकल गया तो फिर तुम नहीं निकल पाओगी, तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और गुरुमा को ये बात पता चल जाएगी कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। 30 मिनट तो बहुत है गुरुदेव, एक बार उस गुफा में प्रवेश कर लूं, उस गुरुमा को मार कर ही बाहर आऊंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मार दिया उन्होंने, मार दिया मुझे उन्होंने, मार दिया उन्होंने मुझे। को क्या हुआ? वो देवड़ी में, उस कमरे में किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मार दिया मुझे।
मैंने वही शाही लिबास पहना था, वो जो उस दिन फोटो में था।